देखो बाबू, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। देखो बच्चा, इधर ध्यान दो, मेरी बात पे गौर कीजिए आप लोग, एकदम शांत हो जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप लोग। देखो, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, तो बायोमोलिक्यूल्स वो एक लिविंग मोलिक्यूल्स की बात करता है। जो मोलिक्यूल अगर किसी लिविंग में ना हो तो फिर लिविंग लाइफ पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मतलब मेरे अंदर बायोमोलिक्यूल्स क्या है, सारे एक्टिव हैं। सारे बायोमोलिक्यूल्स क्या बच्चा, एक्टिव हैं। अगर मेरे बॉडी के अंदर मसल्स है, मैं सोच पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मेरे बॉडी में एनर्जी है, मैं खाना डाइजेस्ट कर पा रहा हूं, मैं सांस को रिस्पायर कर पा रहा हूं, मतलब एयर को रिस्पायर कर पा रहा हूं, मेरे अंदर ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल चल रहा है, मतलब मेरे बॉडी के अंदर तमाम चीजें अगर नॉर्मल सिचुएशन में हो रही है, मतलब मेरे बॉडी का बायोमोलिक्यूल्स क्या एकदम नॉर्मल है। क्या है जी? नॉर्मल है। और बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के सिंगल सेल से स्टार्ट होके हमारे बॉडी के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज तक क्या होते हैं, कंपाइल्ड होते हैं, मतलब उसके अंदर वो ऑर्गेनाइज होते हैं। आई बात समझ? अब अगर जस्ट सपोज करो कि मैं जो है, मेरा कोई आगे जनरेशन आता है, लेट्स सपोज करो मेरा कोई आगे जनरेशन आता है, तो जाहिर सी मेरे जनरेशन, मेरे और मेरे जनरेशन में जो, मतलब मेरा बच्चा हुआ, उसमें और मेरे में बेसिक डिफरेंस क्या होगा जेनेटिक मटेरियल का, मतलब मेरा जेनेटिक मटेरियल उसमें गया होगा, ये सिमिलैरिटी होगी, बाकी चीजें भले ही डिफरेंट हो जाए लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, हमारा सेम होगा। और जो जेनेटिक मटेरियल सेम होगा वो भी क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स। अरे जो स्पर्म और ओवा के माध्यम से रिप्रोडक्शन होगा, वो स्पर्म भी तो हमारे बॉडी का सेल है और ओवा भी तो फीमेल का सेल है, एग सेल, तो क्या दोनों के अंदर न्यूक्लियस नहीं है? और अगर न्यूक्लियस है तो क्या डीएनए नहीं है बच्चा? और अगर डीएनए है तो मतलब जेनेटिक मटेरियल पास हो गया, तो उस बच्चे के अंदर फादर का भी क्रोमोसोम और मदर का भी क्रोमोसोम जो है कंबाइंड होके बच्चे में पास आउट हो गया, तो वो भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या बच्चा? वो भी। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल की ही बात करता है। किसकी बात करता है बच्चा? जेनेटिक मटेरियल की बात करता है। क्लियर बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब इधर सुनो। अगर सर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो हमारे पास बेसिकली कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, तो हमें आज तक तो दो ही सिखाया जाता है, वन इज योर डीएनए एंड अदर इज योर आरएनए। और अगर हम कॉम्प्लेक्स हैं, हम कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग सबसे सर्वोत्तम है ना बच्चा, हमसे ऊपर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है धरती पर लिविंग का, तो हम लोगों के अंदर क्या है, डीएनए है। या जितने भी हायर एनिमल्स हैं, हायर प्लांट, जो भी चीजें हैं, सबके अंदर क्या है, डीएनए है। और जो भी प्रिमिटिव रह गए, सिंपल रह गए, एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल के, माइक्रो लेवल के रह गए, उनके अंदर क्या है, आरएनए। लेट्स सपोज वायरस देख लो, कुछ बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लो, इनमें क्या है, आरएनए है। क्या है बच्चा? आरएनए। आज हम लोग इस पूरे डीएनए और आरएनए की कहानी सीखने जा रहे हैं, कंप्लीट। आई बात समझ में? अब अगर बच्चे हमने न्यूक्लिक एसिड बात को छेड़ दिया है ना, तो सबसे पहले यह समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का फंडामेंटल क्या है, किस चीज से न्यूक्लिक एसिड बनकर तैयार हुआ। ये तो तुम समझ में आ गया कि सर इस पूरे कहानी में हम लोगों को सीखना क्या है बाबू, बोलो, जेनेटिक मटेरियल के बारे में। क्या सीखना है? जेनेटिक मटेरियल। पूरे कहानी में हमें यही चीज सीखना है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। और इस पूरे कहानी में दो फंडामेंटल चीजें, फंडामेंटल समझते हो क्या होता है, बेसिक। अगर मैं पूरे किसी लिविंग बॉडी के फंडामेंटल की बात करूं तो क्या बेसिक हो जाएगा, उसका सेल। और सेल से ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है, उसका मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है, सेल, एटम हो जाएगा। बोलो यार, हमारा सेल है, सेल से ज्यादा बेसिक मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से ज्यादा बेसिक एटम। अच्छा, मॉलिक्यूल को फिर हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं बोलते, लिविंग नहीं है। पहला लिविंग फीचर कहां से जनरेट होता है, सेल से। वैसे फंडामेंटल की बात करो तो एटम फंडामेंटल है, बल्कि एटम में नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल फंडामेंटल है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनफैक्ट वो भी नहीं, अब तो साइंस हमारे इतना मॉडर्न हो चुका है, एडवांस हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्ट हमारे मिलने स्टार्ट हो गए नेचर में, एंटी न्यूट्रोनो, बोसोन, ये सब मिलने स्टार्ट हो गए, तो फिर उस हिसाब से तो फिर अंत नहीं होगा ना बेसिक का। लेकिन हम बेसिक किसको मानेंगे बायोलॉजी में, सेल को, क्योंकि हमारे सेल वो बेसिक है जिसके अंदर लाइफ दिखता है, मॉलिक्यूल के अंदर लाइफ नहीं दिखता। अब अगर बच्चा, मैं एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रख दूं और बोलूं नाच के दिखाओ, दिखाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर लाइफ नहीं है। लेकिन मैं अगर अमीबा को रख दूं, अमीबा को मैं अगर बोलूंगा भाई नाच को दिखाने, फिर भी वो अपने आप ऐसे पता नहीं क्या कर लेगा, ऐसे ऐसे कर, अजीब सा, क्योंकि वो उसका नेचर है, मतलब मूवमेंट होगा उसके अंदर, होगा नहीं होगा बच्चा, क्योंकि वो क्या है, लिविंग है। अच्छा, सेल ही तो है उसके अंदर, ऐसा तो नहीं है हाथ पांव है उसके, एक सिंगल सेल से बना हुआ है, यूनिसेलुलर है बच्चा। अरे बोलोगे तो
देखो मानते हो बोल कर दो यस सर, ठीक है, वेरी गुड बच्चा, ऐसे ही अपने आप को मान के चलो, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा, अमीबा, तो वो क्या है, सिंगल सेलर है, इसलिए उसके अंदर लिविंग प्रॉपर्टी पॉसिबल है। यहां तक की बात समझ आई सबको? अब सुनो, सब एडवांस पे चलते हैं। देखो अब इसका जो बेसिक फंडामेंटल है बाबू, वो दो है, दो है, देखो कौन कौन। पहला है न्यूक्लियोटाइड, क्या है बच्चा, न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा है न्यूक्लियोसाइड, क्या है जी, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। मैं यहां पे एक रेफरेंस डाल देता हूं, जो बच्चा इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेगा, जो भी बच्चा, जितने बच्चे इस क्लास में बैठे हैं उनको 12th बायोलॉजी, मैं ये चीज लिखित लिख रहा हूं यहां पे, 12th बायोलॉजी के अंदर सबसे एडवांस और सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे स्कोरिंग चैप्टर मोल बायो के अंदर, मोल बायोलॉजी के अंदर कभी भी किसी प्रकार का ज्यादा दिक्कत नहीं होगा उसको, अगर ये बच्चा समझ लो तो। और ये मुश्किल से आई थिंक एक नहीं दो लेक्चर का, आज और कल का लेक्चर का कमाल है, बस दो सीख लो ये खत्म हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, बहुत अच्छे से आ जाएगा। और यकीन नहीं होता किसी सीनियर से पूछ लेना, वो इस साल एक ही चैप्टर में परेशान होंगे और वो यही चैप्टर होता है मोल बायो, तो तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनो। तो क्या होता है बच्चा, न्यूक्लियोटाइड और क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। भैया इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो जाहिर सी बात है दोनों नाम अलग है तो डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही, डिफरेंस समझा देता हूं बच्चा। देखो न्यूक्लियोटाइड जो है ना, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कुछ कुछ भी आपको बॉडी में बनाने की बात हो रही है कि ये बना दो वो बना दो, बॉडी में कुछ भी सेल बना दो, कुछ भी बना दो, तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एनर्जी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि शुगर होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फंडामेंटल पार्ट क्या होता है, शुगर। अरे ग्लूकोज जो पढ़ के आया बच्चा क्या था, शुगर था, सुक्रोज, अरे बच्चा बोलो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब क्या है, शुगर के ही तो पार्ट है। सैकेराइड वर्ड का मतलब ही क्या होता है, शुगर, बच्चा बोलो। तो क्या होता है यहां पे कि न्यूक्लियोटाइड की भी बात करें, इसको भी बनाना है तुम्हें, इसको भी क्या करना है, बनाना है, इसको भी बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या बात करना है बोल दो, चलो नहीं हम देख रहे, कोशिश कर रही थी और ऐसे कर रही थी सफाई से बात कर ले, मतलब सर को पता नहीं चले और हम बात भी कर लें। अरे बच्चा आगे बैठे हो तुम, ऐसे खींच रही हो अपने गर्दन को ऐसे, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा मतलब शिफ्टी होकर बात करें, नहीं कि बैठे बैठे पता नहीं चले सर को कि हम तो बैठे हुए हैं लेकिन मेरा मुंह तो बस अपने आप चला गया इधर, कितना स्ट्रेच करो, जिराफ हो जाओगी तुम और ये भी बहुत तेज है, ये भी अपने कान को अरे सब दिख जाता है बच्चा यार बोलो सही बात है, तुम बात करने की कोशिश कर रही थी, नहीं कर रही थी, पलवी सही बोलना, इस चैप्टर की कसम, हाँ देखो एक्सेप्ट कर ली, हम जानते हैं बच्चा चलो सुनो कोई बात नहीं, कर लेना सब क्लास का, इधर ध्यान दो। तो क्या होता है बच्चा, सबसे बेसिक क्या होगा बोलो, शुगर नहीं, शुगर क्या बोलते हैं इसको, शुगर, एस शू शुगर नहीं, गर नॉट, इट्स नॉट अ गर, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बोलो, अरे उसका छोड़ो, शुगर, ठीक है। और क्या होगा बच्चा इसके अलावा, नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेस, अच्छा नाइट्रोजिनस बेस क्यों होगा, क्योंकि बेबी को इसलिए होगा, है नहीं बताता हूं अभी, ये मत याद कर लेना। और तीसरा होगा बच्चा सुनो, फॉस्फेट, क्या होगा बच्चा, वैसे फॉस्फेट को हम एक और नाम से जानते हैं यहां पे, फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोलोगे इसको, फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन चूंकि एसिड है तो हम यहां पे फाइनली उसको आयन के फॉर्म में बोलेंगे, तो हम उसको क्या बोल देंगे, फॉस्फेट, लेकिन तुम चाहो तो क्या बोल सकते हो इसको, फॉस्फोरिक एसिड। तो पहला एक सवाल तो यहीं पे बन गया तुम्हारा, बहुत बढ़िया वाला सवाल, कि ये बताओ मुझे न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से मिलकर बना होता है, शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस एंड फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, दैट्स एंड, खत्म, इतना समझना था तुम्हें। अब भैया न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, तो सुनो मेरी बात, न्यूक्लियोसाइड में सब कुछ सेम होगा, मतलब दे आल्सो कंटेन व्हाट, शुगर, उन पे भी शुगर होना है, उन पे भी नाइट्रोजिनस बेस रहना है, सिर्फ क्या नहीं होगा उस पे, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा। तो मुझे एक चीज पूछूं मैं आप लोगों से, विच वन फॉलोइंग विल बी अ बेस एंड विच विल बी योर एसिड कंपाउंड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जाहिर सी बात ये क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, और ये कौन सा नेचर शो करेगा, बेसिक। बहुत अच्छा वाला पार्ट खत्म हो गया तुम्हारा, तुम कभी पीवाईक्यू को सॉल्व करने बैठोगे ना, शायद ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए कि किसका क्या नेचर होता है, और जवाब तुमने खुद बोला है, मैंने पूछा बताया भी नहीं, बस मैंने पूछा था आप लोगों से, क्योंकि कॉमन सेंस है सर, जहां फॉस्फोरिक एसिड की बात हो रही है वो पूरे स्ट्रक्चर को क्या बना देगा,
एसिडिक, तो ये क्या नेचर शो करेगा? एसिडिक. और ये क्या करेगा सर? बेसिक. नहीं आई बात समझ में? पक्का? अब सुनो, अब न्यूक्लियोटाइड्स में आगे समझने के लिए आपको फिर क्या समझना पड़ेगा? अलग से शुगर समझना पड़ेगा, फिर नाइट्रोजनस बेस समझना पड़ेगा. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शुगर क्या क्या हो सकता है इसमें. ठीक है, तो देखो बेटा, शुगर की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पे जो हम शुगर की बात करेंगे, वो शुगर का नाम है पेंटोज शुगर. क्या नाम है बच्चा? पेंटोज शुगर. ठीक है, हम जिस शुगर की बात करेंगे इस पूरे लेक्चर में अपने, उसका नाम क्या है? पेंटोज शुगर. ठीक है, अब पेंटोज शुगर ना बच्चा दो टाइप के होते हैं. फर्दर कितने टाइप के होते हैं? अच्छा एक बात बताओ सर, अगर मैंने ये पेंटोज वर्ड यूज किया है, मतलब ये चेन कितने एटम का होगा? कॉमन सेंस. ग्लूकोज में कितने कार्बन का चेन होता था? कितने साइकिल का? छह का. कौन सा? अच्छा नाम क्या होता है उस पूरे चेन का? नाम क्या था? पाइरेनोज. और फ्रक्टोज में चार का कार्बन होता था, एक ऑक्सीजन, उसे क्या बोलते थे चार कार्बन के लिए? फ्यूरानोस. ये याद नहीं आ रहा? ग्लूकोज टोटल कितने चेन का था? छह का. आई मीन छह रिंग में एटम थे उसमें रिंग में, लेकिन उन छह में कार्बन कितने थे सिर्फ, और एक क्या था? इसलिए क्या वर्ड यूज किया था हमने? पाइरेनोज. फ्रक्टोज में कार्बन कितने हैं और एक क्या है, इसलिए हमने कौन सा वर्ड यूज करना है यहाँ पे? फ्यूरानोस. और अगर यहां की बात करूंगा तो यहां कौन सा वर्ड यूज करना है? पेंटोस. और अगर पेंटोस की बात करिए मैंने, तो टोटल कितने चेन होंगे, मतलब रिंग होंगे, रिंग में एटम कितने होंगे? पांच. अब उन पांच में देखो दो टाइप के होंगे. एक होता है बच्चा राइबोज शुगर, दो टाइप के होंगे राइबोज शुगर, और दूसरा होगा डी ऑक्सी राइबोज शुगर. क्या होगा बच्चा? डी ऑक्सी राइबोज शुगर. पहले यहां तक की बात समझ आई कि नहीं आई? पहले शुगर समझ आ गया, उसमें कौन सा था हमारे पास? पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर के दो पार्ट, राइबोज शुगर और डी ऑक्सी राइबोज शुगर. अब मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा, कौन आरएनए और कौन डीएनए. हिंट मिला थोड़ा सा? नाम से समझ में आ रहा है, बचपन में डीएनए डीएनए पढ़ते थे. आई थिंक आप लोगों ने फिफ्थ और सिक्स में आपको डीएनए का फुल फॉर्म याद करवा दिया गया था, भले नहीं पता था उसमें डीएनए क्या है, लेकिन चूंकि सोसाइटी हमारी इतनी उस टाइम पे वो थी ना कि आपको बार बार बोल बोल के बोलो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आप बोलते थे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते थे ना बचपन में, और फिर करते करते सीख गए आप लोग. हाँ ठीक तो है, क्यों हंस रहे हो? जो भी बोले अच्छा है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. और ये क्या है? राइबो शुगर. तो ये किसकी बात करेगा? आई थिंक आरएनए की. और ये किसकी बात करेगा? डीएनए की. एक बात बताओगे, पूरे केमिस्ट्री में या पूरे साइंस में कहीं भी डी ई वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है? इनएक्टिव नहीं, डी ई. अच्छा हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वॉटर. हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ. तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वॉटर. सो डी बताया था ना पहले भी, डी ई वर्ड का मतलब होता है रिमूवल. तो यहां पे डीऑक्सी है, मतलब कुछ ना कुछ रिमूव किया गया, मतलब इस राइबोस से जो कि आपका आरएनए है इसमें कुछ ना कुछ हटाया गया, तो क्या बना होगा? हाँ, और किसको हटाया गया होगा? ऑक्सीजन वाले एटम को ही कहीं ना कहीं हटाया गया होगा, तभी तो यहां वर्ड आया डीऑक्सी. मतलब डी मतलब निकाला गया, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को, और क्या बच गया? राइबोस शुगर. मतलब एक चीज तो श्योर हो गए तुम लोग आज कि सर पास्ट में आरएनए से अगर डीएनए बना होगा तो उस आरएनए से कुछ हटाया गया होगा, और वो कुछ नहीं था एक्चुअली, वो ऑक्सीजन एटम था जो कि उस आरएनए से हटा के क्या बनाया गया होगा? डीएनए. लोगों को लगता है कि आरएनए में कुछ जोड़ा गया होगा तो डीएनए बना होगा, ऐसा नहीं है. आरएनए से हटाया गया तब जाके डीएनए बना. जिंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ जोड़ना ही जरूरी नहीं है, कुछ हटा देना भी जरूरी होता है. ठीक है, लोग कुछ कहते हैं ना कि कुछ जोड़ लो तो ठीक हो जाओगे, या कुछ अडेप्ट कर लो हैबिट अपने अंदर. अरे अडेप्ट तो ठीक है, नेचुरल रहो, लेकिन कुछ नेगेटिविटी हटा दो बॉडी से अपने, आई मीन अपने दिमाग के सेंसेशन से, तो आप बन जाओगे नॉर्मल. तो वही बात यहाँ पे, तो यहाँ कुछ लेके नहीं, कुछ हटा के बना गया. पहले यहां तक ये बातें समझ आई कि नहीं आई? इसको कॉपी करिए, तब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. और थोड़ा फास्ट करना आप लोग, ठीक है, थोड़ा तेज करना. लाइव क्लास में पल्लवी को ट्रोल किया गया. हाँ, इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे. तो आप सबको मैंने बता दिया कि सर हमारे पास जो है शुगर जो है वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली. वो एक राइबोस होगा और दूसरा कौन सा होगा?
डीऑक्सीराइबोस होगा। चलो मैं पहले शुगर बना देता हूं आप लोगों के लिए ध्यान से। अब चूंकि आप लोग ग्लूकोज बनाना सीख गए हो, फ्रक्टोज बनाना सीख गए हो ना, तो आपको मुझे ही लगता है कि अब आपको कोई बाकी शुगर बनाने में कभी दिक्कत होगी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चा, अगर मैंने राइबोस बोला है तो भाई एक चीज तो डन हो गया कि कार्बन के नंबर कितने रहने हैं, और एक क्या बैठा हुआ बीच में, ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है? ये वाला कौन सा पोजीशन हो गया कार्बन नंबर, ये कौन सा, ये कौन सा, और ये कौन सा, फोर। खत्म कहानी, बोलो क्लियर है? अच्छा अब सुनो सब, अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है यहां पे, राइबोस शुगर। क्या नाम है इसका? राइबोस शुगर। अच्छा एक काम करो, मैं आपको थोड़ा सा उससे पहले वो भी बता देता हूँ, नाइट्रोजनस बेस भी बता देता हूँ, फिर आपको मैं जोड़ के दिखाऊंगा, तो फिर आपको पूरा फिर स्ट्रक्चर समझ आएगा। उससे पहले रुक जाओ, यहां समझ लो सब, नाइट्रोजिनस बेस ये क्या होता है सर? देखो ये नाइट्रोजिनस बेस क्या है, तो नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास एक तरह का बेस है जिसमें जो मेनली हमारे पास कौन सा एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। अब ये दो तरह का है, एक है प्यूरीन और दूसरा है पाइरिमिडीन। क्या बोलते हैं इसको? पाइरिमिडीन। दो तरह के होते हैं बच्चा, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। प्यूरीन की बात करें, प्यूरीन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो चीज आता है फर्दर, ग्वानिन और एडेनिन। क्या आएगा बच्चा? ग्वानिन और एडेनिन, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तीन चीज, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ठीक है जी, तीन चीजें होंगी। इसके अंदर कौन कौन सा होगा? ग्वानिन, एडेनिन। पाइरिमिडीन के अंदर थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है। दो इसके पार्ट होंगे और तीन इसके पार्ट होंगे। एक चीज और याद रखो, इसमें एक और चीज है, सुन लो सब, बेस पेयर, बेस पेयर समझ लो सब। देखो बेस पेयर जो होता है जनरली हमेशा प्यूरिन का किसके साथ होता है? पाइरिमिडीन के साथ, मतलब जोड़ा लगाना। तो जोड़ा जो लगता है हमेशा, वो ध्यान रखो, एडेनिन का लगता है हमेशा किसके साथ? थायमिन के साथ। और ग्वानिन का लगता है हमेशा साइटोसिन के साथ। इसको बोलते हैं एटीजीसी। एडेनिन का किससे लगता है? थायमिन। एडेनिन किसका पार्ट है? प्यूरिन का। थायमिन किसका पार्ट है? पाइरिमिडीन का। ग्वानिन किसका पार्ट है? प्यूरिन का। साइटोसिन किसका पार्ट है? पाइरिमिडीन का। और इसके अंदर बॉन्ड क्राइटेरिया देख लो, एडेनिन हमेशा थायमिन से कौन सा बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, इन बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी बच्चा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड में ही एग्जिस्ट करेगा, और जी हमेशा सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करेगा। ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? उसके बाद एक और चीज सुना देता हूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप पूछोगे सर यूरेसिल कहां गया? यूरेसिल जो है वो थायमिडीन का अल्टरनेटिव है। मतलब क्या, सुनो, ये यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ किसके केस में पाया जाएगा? आरएनए के केस में। और अगर बात डीएनए की होगी तो उसके अंदर सिर्फ ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन, मतलब ये चारों किस में पाए जाएंगे? डीएनए में। और सिर्फ यूरेसिल किस में पाया जाएगा? आरएनए के अंदर पाया जाएगा। मतलब ये किसका पार्ट है? डीएनए। ये भी किसका पार्ट है? डीएनए। थायमिन भी किसका पार्ट है बच्चा? डीएनए। और आखिरी वाला साइटोसिन भी किसका हिस्सा है? डीएनए। और आरएनए में सिर्फ क्या होगा आपका? यूरेसिल होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यूरेसिल जो है वो आरएनए में है, तो इसमें से किसको हटाया जाए? क्योंकि आरएनए को भी चाहिए चार नाइट्रोजनस बेस, सबको चाहिए होता है चार, डीएनए को भी चार, तो डीएनए का तो चार क्लियर हो गया हमारे पास। आरएनए में एक है, बाकी तीन इसके साथ होंगे, तो कौन नहीं होगा चौथा? ध्यान रखिएगा, कौन नहीं होगा? आंसर विल बी थायमिन। थायमिन डीएनए में, सॉरी आरएनए में प्रेजेंट नहीं होगा। ध्यान से, ये एक एक नंबर के सवाल बन जाते हैं एग्जाम में। थायमिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? डीएनए में। और यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? डीएनए में नहीं होगा। तो ये लोग, बाकी लोग डीएनए के साथ साथ आरएनए में भी हैं, ये लोग भी डीएनए के साथ साथ आरएनए, ये नहीं होगा, ये भी आरएनए। तो कोई एग्जाम में पूछे इन कौन से चार ऑप्शन में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है जो सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा, सिर्फ आरएनए में, आंसर विल बी यूरेसिल। इन चारों में कौन सा ऐसा बेस है जो सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा? थायमिन। क्वेश्चन समझ लो कैसे पूछा जा सकता है आपसे। ये पूरा नाइट्रोजिनस बेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको?
इसको पहले कॉपी करो, तो मैं फिर यहां पे समझाऊंगा आप लोग को। पहले इसको कॉपी करो सब, इस पार्ट को नोट करो। सुनो, तो यहां तक की चीजें समझ आई होगी आपको। अरे ये बच्चा नाइट्रोजनस बेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, है बोलो? ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस राइबोस शुगर के ऊपर। ठीक है, पहले हम लोग राइबोस समझते हैं, फिर हम लोग डीऑक्सीराइबोस को समझ लेंगे। एक मिनट समझा दूंगा, सुनो। तो जैसे कि मैंने आपको ये बनाया हुआ है, चार आपको कार्बन के चेन दिख रहे होंगे और एक बीच में क्या दिख रहा होगा, ऑक्सीजन। देखो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को बनाओगे, सेकेंड नंबर पोजिशन पे ओ एच एच, थर्ड नंबर पे एच, सॉरी उल्टा, यहां ओ एच और यहां पे क्या होगा, लेट मी चेंज इट, हाँ ये ओ एच हो गया और ये क्या हो गया, एच, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में होता है। और फोर्थ नंबर पे फिर यहां पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप वगैरह आता है। सुनिए मेरी बात पहले ध्यान से, सुनो। अगर ये स्ट्रक्चर आपको कहीं दिख रहा है, अगर ये स्ट्रक्चर कहीं ऐसा दिख गया आपको जिसमें सेकंड नंबर पे OHH दिख रहा हो और थर्ड नंबर पे HOH दिख रहा हो, उसको हमेशा क्या बोलोगे तुम, कौन सा शुगर है, राइबोज है। लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोज की बात करूं, बच्चा सुनो मेरी बात, अगर मैं डीऑक्सीराइबोज की बात करूं तो देखो डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस देखना सब तुम लोग। देखो सेम चीज है, बस अंतर कहां आ जाता है, ध्यान से, यहां H हो जाएगा, यहां आपके पास OH था, यहां H रहेगा, यहां क्या था OH और यहां क्या हो गया H, मतलब क्या रिमूव हो गया यहां से O, तो O क्या हो चुका है, यहां से रिमूव हो चुका है। इसलिए हम यहां पे कौन सा टर्म लगा रहे हैं, डी ऑक्सी। और ये क्या, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है कि दोनों क्या है, राइबोज शुगर है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। दोनों में फर्क समझ में आ गया, बस इतने का ही अंतर है, मतलब इतना ही अंतर से ये आरएनए से क्या बन गया, डीएनए। ये दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बाकी बहुत सी चीजें हैं जो इनके अंदर क्या है, सिमिलर्स हैं और कह सकते हो सेम है। अरे ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, अब सुनो मेरी बात। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस लगाया है वो कहां लगता है, इस पोजीशन पे, मान लेते हैं इस पोजीशन पे क्या लगा दिया तुमने, एडेनिन लगा दिए, क्या लगा दिए जी, एडेनिन। तो ये लग गया ए, मतलब ये पहले शुगर था, नाइट्रोजिनस बेस आ गया, अब क्या रह रहा है इसमें, फॉस्फोरिक एसिड, वो कहां लग जाएगा, इस वाले कार्बन से, क्या लग गया, फॉस्फोरिक एसिड। अगर किसी कंपाउंड में शुगर भी दिख रहा हो आपको, नाइट्रोजिनस बेस भी दिख रहा हो और फॉस्फोरिक एसिड भी दिख रहा हो आपको, उसे क्या बोलोगे, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया कि नहीं अच्छे से, न्यूक्लियोटाइड क्लियर है बच्चा, सिंपल सा चीज था सर, शुगर है, बेस है और फिर क्या है बगल में, फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, एक्चुअली वो पांच नंबर कार्बन जुड़ा होता है, बीच में एक और कार्बन होता है, चार के बाद एक और कार्बन यहां होता है, ये उससे जुड़ा होता है, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट आपको पूरे स्ट्रक्चर पर नहीं आ रहा हूं, इसे समझना कि आप लोग यहां जुड़ा होता है, पांच कार्बन होते हैं यहां पे, एक्स्ट्रा एक कार्बन और होता है, बताया था CH2OH ऊपर, कल राइबोस याद आ रहा आप लोग को, राइबोस खोलो, स्ट्रक्चर खोलो राइबोस का, खोलो खोलो राइबोस, अरे ग्लूकोज खोलो, कुछ भी खोलो, फ्रक्टोज खोलो, ग्लूकोज खोलो, कुछ भी खोलो, खोल दिए, खोलने के बाद देखो ऊपर CH2OH दिख रहा होगा साइड में, तो वो कार्बन भले रिंग में नहीं है लेकिन है तो क्या, वो है तो क्या, अरे है तो वो कार्बन ही ना बच्चा, है तो क्या, वो कार्बन है, तो यहां वो कार्बन है वही वाला, उससे क्या लगा होता है यहां पे, फॉस्फेट, कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है, फिफ्थ पे, कौन से पे लगा हुआ है, फिफ्थ पे। आई बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, अभी इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर है, पहले आप बेसिक समझ रहे हो ना, फिर मैं जब आपको बनाऊंगा 3 to 5 चेन और 5 to 3 पोलैरिटी, फिर आपको अच्छे समझाऊंगा, पहले यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को, सबको क्लियर हो गया, इसको कॉपी करो पहले, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, फिर मैं पोलैरिटी समझाता हूं, उसमें फिर मॉडिफाई करूंगा, करो पहले। सुनो सब, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एक सेकंड, इसका नाम क्या है, डीऑक्सी, इसका नाम क्या है, मतलब ऑक्सी नॉर्मल, मतलब ये डीऑक्सी है और ये राइबोज है सिर्फ, ये डीऑक्सी राइबोज और ये क्या है, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये सब क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अरे यार बोलो ना, ये है कि नहीं न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या बता रहा हूं मैं, न्यूक्लिक एसिड। इसलिए डीएनए को क्या बोलते हो, डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी का मतलब
ऑक्सीजन हट चुका है, है वो राइबो शुगर, और पूरा स्ट्रक्चर किस चीज का है, न्यूक्लिक एसिड का, तो बन गया हमारा डीएनए। वैसे अगर राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलूं तो मतलब राइबो शुगर यूज किया गया है और साथ में न्यूक्लिक एसिड यूज किया गया है। बात समझ आई कि नहीं आई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछूंगा, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड डीएनए क्या है? सिर्फ यही बोलोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आरएनए? ना ना, वो तो सेम ही है, सब कुछ सेम है। बेसिक जो डिफरेंस आता है वो आता है जो तुम बोलोगे सेकेंड पोजिशन पे। पोजिशन बताओगे ना भाई, ओएस तो और भी जगह है यार, कौन से पोजीशन से वो हटा दोगे? अगर मैं इस पोजीशन से हटा दूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि यार ये राइबोस वो बन जाएगा, डिऑक्सी बन जाएगा। ये दिमाग में बैठाना है कौन से पोजीशन से, सेकंड पोजीशन से हमें किसको हटाना है, ओएच ग्रुप को। मतलब एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई क्वेश्चन में इस तरीके से घुमा दिया जाए कि कौन सा चीज आरएनए में था कि जिसकी वजह से आरएनए अनस्टेबल था, तो सेकंड नंबर पे ओएच ग्रुप था जो कि अब डीएनए में नहीं रहा। मेरी बात नहीं समझ आ रही आपको? देखो मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे। कोई पूछेगा कि डीएनए क्यों ज्यादा आरएनए से स्टेबल है, तो इसलिए स्टेबल है क्योंकि उसके सेकंड पोजीशन से ओएच को हटा दिया गया। यह सवाल ऐसे पूछा सकता है कि डीएनए से ज्यादा आरएनए अनस्टेबल क्यों था, तो उसका भी रीजन यही होगा कि सेकंड पोजीशन पर ओएच प्रेजेंट था। तो आप दोनों तरीके से चीजों को समझ लो, ये दो पॉसिबल वेज हैं जिससे कि आपके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपको बस ये दिमाग बैठाना है बात पूरी कहानी में किसकी है, सेकंड पोजीशन पे ओएच की, और कोई और कहानी नहीं है यहां पे। क्लियर हुई बात? पहले बताओ सबको समझ आ रही नहीं आ रही? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये याद रखना है कि पीयू में क्या है और पीवाई में क्या है। पीयू का मतलब मैं बोल रहा हूं प्यूरिन, और पीवाई का मतलब मैं बोल रहा हूं पाइरिमिडीन। ऐसा नहीं कि इसको इसमें मिला दो। देखो इसका भी ट्रिक मैं बता देता हूं वैसे, जो मैंने याद किया था। देखो अगर मैं किसी पूजा नाम की लड़की का स्पेलिंग लिखूं तो कैसे लिखूंगा? एक तो लिखूंगा POOJA और एक लिखूंगा PUJA, लिखूंगा ना। अब तुम ट्रिक समझ गया होगे, PUJA ऐसी तो लिखोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ना चेंज करता हूं इस स्पेलिंग में आज से। मैं थोड़ा चेंज क्या करूंगा, मैं GA कर देता हूं। वैसे ये पुगा हो जाएगा बट इंग्लिश है तो सब चलता है। जब इंग्लिश में BUT बुट हो सकता है, बट हो सकता है, PUT पट पुट हो सकता है, तो ये PUJA पूजा क्यों नहीं हो सकती? नहीं, सवाल मेरा गलत है? अगर मान ले तो ये पॉसिबल है कि नहीं? आर्यन PUT क्या होता है? तो BUT क्या होता है? बुट होना चाहिए ना, लेकिन बट क्यों हो गया? तो अगर PUJA पूजा हो सकती है तो PUGA भी आज से क्या होगी? पूजा। सॉरी पूजा, डोंट ऑफेंड, ऑफेंड नहीं होना। कोई है इसमें? नहीं ना पूजा, नहीं ना है, ठीक है। चलो तो पीयू का मतलब क्या है बच्चा? तो बच्चा कौन इसमें? ग्वानिन और एडेनिन, और होते चार हमारे पास, याद रख लो ATGC, एक टोन में याद रख लो ATGC, जिसमें AG कहां गए, और बाकी TC पायरिमिडीन में, और यूरेसिल तो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब उसको तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आरएनए वारने से। अरे बोलो गधो, समझ आ गई बात? नहीं समझ में आ गई? अरे क्लियर है पक्का? ठीक है, तो इसको AG से याद कर सकते हो, ठीक है। AG मतलब अबे गधे, ऐसे। ये जो आजकल वाइफ है ना, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को क्या बोलती है? AG, सुनिए ना, इस AG का एक्चुअल फुल फॉर्म तुम्हें पता है क्या होता है? अबे गधे। क्या होता है इसका? अबे गधे, ए गधे या अबे गधे। तो कितने प्यार से बुलाती है AG, सुनिए ना, तो उसका मतलब होता है अबे गधे, सुनिए ना, ठीक है। तो आज से तुम लोग प्रण लो, तुम लड़को, तुम्हारी अगर बीवी आए तो उसे क्या बोलना? ना बोले तुम्हें क्या? AG ना बोले, कुछ और भले वो आजकल चल ही रहा है, सोना, मोना, बाबू, जो भी चल रहा है ना उसको बुलवा लेना सब, AG मत बुलवाना बाबू। AG का वाकई मतलब क्या होता है? अबे गधे। क्योंकि देखो भाई, आपको वो जब भी बोले ना प्यार से AG, तो समझ लेना कुछ करवाना चाहती, कुछ काम चाहिए उसको आपसे, कुछ मेहनत करवाना चाहती। जैसे AG वो काम कर दिए ना, तो काम करने का काम किसका होता है? गधे का होता है। तो वो इस सेंस में बोलती है अबे गधे, वो काम कर दो ना ऐसे, और तुम बड़ी स्वीट, आओ स्वीट, हाँ AG बोल रही है मेरे को है। लेकिन बच्चा वो AG का फुल फॉर्म क्या है? इन लड़कियों का प्लान है, इनका संगठन चलता है, तुम लोग ध्यान रखना सब। इनका संगठन है, उन संगठन में मैसेज आता है कि AG, हाँ इनका अलग ही चलता है, इसलिए लड़के AG मत बुलवाना सब, कुछ और बुलवा लेना, ठीक है, लालू जी, गोलू जी, मोलू जी, जो भी बुलवाना है, बट ये AG नहीं बुलवाना आप लोग,
लालू नहीं, जी नहीं बोलना बस, ठीक है, लालू बोल देना। चलो हाँ, अरे समझ आ गया बच्चा। अब सुनो सब, देखो तुम लोगों को अगर याद हो, शायद अगर याद हो, अपने इन नाजुक दिमाग पे जोर डालो आप लोग, तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर ना बच्चा, ओ ये क्या हो रहा है, दो दो क्यों निकल गया था। देखो अगर मैं डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर आपको अच्छे से पता हो, कुछ ऐसा बनाते हो आप लोग। अब एक चीज सोचो कि ये इस तरीके से क्यों बनता है, और आपने तो अभी मुझे ये बताया सर कि इस डीएनए का जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल पार्ट है वो कौन है, न्यूक्लिक एसिड है। मतलब यहां पे एक न्यूक्लिक एसिड होगा, एक यहां होगा, यहां होगा, और कई सारे न्यूक्लिक एसिड मिले होंगे, तो क्या बन गया होगा, हमारा डीएनए बना होगा। अरे बोलो, तो अब हम उसी न्यूक्लिक एसिड को यहां समझा रहे हैं आपको। यहां तक समझ में आई थी कि नहीं आई, पिछले तो बात समझ में आ गई थी। सुनो, आपको पता है कि इतना तो पता ही होगा कि डीएनए जो है उसके दो स्ट्रैंड होते हैं। कितने स्ट्रैंड होते हैं? टू स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब होता है ये जो लाइनें बनाई है मैंने, STRANDS, स्ट्रैंड्स। कितने स्ट्रैंड्स होते हैं बच्चे? दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? एंटी पैरेलल, मतलब एक जाता है नीचे से ऊपर, तो एक आता है ऊपर से नीचे। मतलब दो अपोजिट मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं यहां पे? एंटी पैरेलल मूवमेंट। अगर दो पैरेलल मूवमेंट अगर सेम डायरेक्शन में चले, इसे क्या बोलोगे? पैरेलल मूवमेंट। और अगर एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एंटी पैरेलल मूवमेंट। ये चीज डीएनए के साथ याद कर लीजिएगा। क्या किसके कितने स्टैंड होते हैं? दो स्टैंड, और दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है? यहां पे ये डीएनए का एप्लीकेशन मैं नहीं सिखाऊंगा, ये 12वीं में ही सिखाया जाएगा आपको। बस मैं आपको यहां जितनी चीज की जरूरत है वही समझा देता हूं। चलो ये भी याद कर लो, ये बात जो थी जिन साइंटिस्ट ने बताया था, उन साइंटिस्ट का नाम था वॉटसन एंड क्रिक। क्या नाम था? वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब सुनो सब, अब मैं बनाता हूं यहां पे। देखो ये क्या है बच्चा हमारे पास, अब सीख लो सब। अब मेन चीज हम आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर बनाए थे। ये बना हमारे पास एक, ये बना हमारे पास दो, सुनो, और ये बना बच्चा हमारे पास तीन। इस तरीके से तीन स्ट्रक्चर यहां बना। अब तीन एंटी पैरेलल बनाओ, मतलब जस्ट उल्टा करो इसको, एक दो और ये क्या हो गया? तीन। जस्ट एंटी पैरेलल कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने। अब सुनो सब, चलो अब याद दिलाओ सब मुझे क्या क्या था यहां पे। यहां पे क्या था? नाइट्रोजिनस बेस। लेट से यहां पे कौन सा रख दूं मैं? ए रख देता हूं, थोड़ा सा इसको कर देता हूं क्लियर। यहां मैं क्या रख देता हूं बच्चा? ए। ठीक है, यहां रख देता हूं मैं आपके हिसाब से सी रख देता हूं। ठीक है, चलो सी रख दिया, और यहां रख देता हूं मैं फिर से जी। ठीक है, मान लो ये जी रख दिया, ये नाइट्रोजिनस बेस रख दिया मैंने यहां पे। अब एक बात बताओ, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये दो नंबर है, ये कौन सा नंबर है? तीन। ये कौन सा है? चार। और यहां पांचवे से कौन जुड़ा हुआ है? कौन सा जुड़ा हुआ है? फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है पांचवे से। सेम क्या यहां भी ऐसे जुड़ा होगा फॉस्फोरिक एसिड? बोलो पांचवे से, यहां से फॉस्फोरिक एसिड, और यहां भी क्या जुड़ा होगा? फॉस्फोरिक एसिड। यहां भी क्या जुड़ा होगा बच्चा? ये हो गया पांचवा नंबर कार्बन, यहां क्या जुड़ा होगा? फॉस्फोरिक एसिड। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया पहले तो बताओ। बीच में येलो वाला कौन सा है? शुगर। दाहिने साइड पे कौन सा है? नाइट्रोजिनस बेस। बाएं साइड पे कौन सा है? क्या ये पूरा न्यूक्लिक एसिड है? क्या ये न्यूक्लियोटाइड है? बोलो क्लियर है जी। सेम क्या यहां भी करोगे? ये बोलो, ये एक नंबर मान लो तो इसको क्या मानोगे? दो, तो ये तीन, ये क्या हो गया? चार। और यहां भी क्या बनाओगे? पांचवें नंबर पे फॉस्फोरिक। यहां भी क्या बनाओगे? पांचवें नंबर पे फॉस्फोरिक। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहां भी क्या बनाओ? पांचवें नंबर पे फॉस्फोरिक। यहां तक समझ आ रही बात? अच्छा, अगर ये एक नंबर बताओ तो यहां भी तो एक नंबर होगा। तो अगर ये सी है तो सी का मैचिंग किससे साथ होता है? हमेशा सी का मैचिंग किससे साथ होता है? बताया था ATGC, ए का हमेशा टी के साथ और जी का हमेशा सी के साथ। तो चलो यहां जी है, सी है, तो यहां क्या रहा होगा? डेफिनेटली जी। और बॉन्ड कितने रहे होंगे यहां पे? ट्रिपल। यहां जी है तो यहां क्या रहा होगा? और बॉन्ड कितने रहे होंगे? ट्रिपल। बोलो सब, यहां ए रहा होगा तो यहां क्या रहा होगा बाबू? टी। और बॉन्ड कितने रहे होंगे? डबल। अरे ये तो दो स्टैंड बनाया है, एक्चुअली में ये दो स्टैंड ना कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ओके भैया आए, क्लास हो गई? हाँ भैया, बस एक मिनट और, एक मिनट खत्म। आई बात नहीं समझ में आई आपको? अरे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? अब एक बात बताओगे,
मुझे ये चेन जो स्टार्ट हुआ, ये वाला चेन स्टार्ट हुआ, वो कौन से कार्बन से स्टार्ट हुआ है, कौन से पोजीशन से, और ये जो खत्म हुआ वो कौन से पोजीशन में खत्म हो गया है, थर्ड, 1, 2, 3 खत्म किस पे हो रहा है, थर्ड। तो ये स्टार्ट किस पे हुआ, 5 पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं 5' एंड 2, 3' एंड। ठीक है, अब ये देखो ये किससे स्टार्ट हुआ है, 5, और खत्म किससे हुआ है, ये अगर 1 माने थे, ये 1, 2, तो ये किससे खत्म हुआ है यहां पे, सॉरी ये 1, 2, 3, ये ना 3, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये किससे खत्म हुआ, स्टार्ट किससे हुआ, 5 से, और खत्म किस पे हुआ, 3 पे। तो मतलब ये है कि अगर इस वाले मैं डीएनए की बात करूं, ये 5 से स्टार्ट हुआ तो यहां खत्म किस पे होगा, और अगर ये 5 से स्टार्ट हुआ तो ये खत्म किस पे हुआ, 3 पे। इसको कहते हैं डीएनए का एंटी पैरेलल मूवमेंट। और ये तुम्हें खुद समझ आ गया स्ट्रक्चर देख के। देखो एक बात मैं बता देना चाहता हूं, अगर मैं स्ट्रक्चर पे आऊं तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज कर सकता हूं, बहुत कुछ बता सकता हूं 12th के रिलेटेड, लेकिन मुझे आप लोगों का ना लेवल भी देखना है कि इतना ज्यादा ना हो जाए कि आप घबराओ, क्योंकि ये चीज आपको दोबारा मिल जाएगी। बस मैं इतना ही बता रहा हूं आप लोगों को कि वहां अगर कोई बताए आपको तो आपको इतना वक्त ना लगे समझने में जितना आज लग रहा है आपको, वहां दम देखते ही समझ आ जाएगा, हाँ सर ने कभी बताया था ये सब चीजें होती है। तो ये पहले पोल, ये मूवमेंट समझ में आया कि नहीं आया, ये 5:3 और 3:5 समझ में आया कि नहीं आया, किसी बच्चे को ना आया हो, अरे यार देखो ना ये कौन सा रखा था, एक रखा था, हाँ दो था, तो ये कौन सा हो गया, तो यहां पे देखो ये एक था, दो था, तीन था, चार था, तो ये कौन सा हो गया, 5, 5। तो खत्म किस पे, शुरू किस पे हुआ था, 5 पे, और खत्म किस पे हुआ, यहां देखो ये एक था, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये किससे जुड़ा हुआ, 5वें से, तो ये क्या हो गया, 5, और खत्म किस पे हुआ, 1, 2, 3, क्योंकि नाइट्रोजन डाइट्रोजनस बेस वाले को एक काउंट करोगे ना, अरे जहां फंक्शनल ग्रुप लग जाता है मेरे भाई उसे किससे काउंट करते हो, 1 से, उसको नंबरिंग पहले देते हो तो ऑर्गेनिक पढ़ के आ गए होगे तुम लोग। अब सुनो ये जो बीच वाले बॉन्ड दिख रहे हैं, इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बुलाते हो तुम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे बुलाते हो नहीं बुलाते हो, ये जो न्यूक्लिक, ये जो शुगर और यहां पे नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच का जो बॉन्ड दिख रहा है, ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, सुनो, इन बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बच्चा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर लगा लेना, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का बॉन्ड, वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक। अगर दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की बॉन्ड की बात की जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर रिंग की बात और फॉस्फोरस की बात की जाए तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तीन बॉन्ड याद हो गया, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, कौन सा बॉन्ड, अरे शुगर और ग्लाइको नाइट्रोजनस बेस, कौन सा बॉन्ड, दो नाइट्रोजनस बीच के बीच का बॉन्ड, और शुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, या फिर एस्टर बॉन्ड भी बोल सकते हो, वैसे उसको एस्टर बॉन्ड ही बोलते हैं, लेकिन चूंकि किसकी बात कर जाए यहां पे, तो इससे नाम क्या बोलोगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये हो गया डीएनए का आपका स्ट्रक्चर। तो ये डीएनए अब नहीं बनाओगे तुम लोग, मतलब बनाओगे तो यही वाला हर जगह, लेकिन अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में डीएनए ऐसा होता है, कितने सारे मॉलिक्यूल लगे होते हैं। अब कहोगे सर ये कुछ किसी चीज से जुड़ा तो होगा ना सर, अरे यार ये किसी से जुड़ा होगा, नहीं होगा, तो किसे जुड़ा होगा, थर्ड नंबर का 5th नंबर से, इसका थर्ड नंबर का 5th नंबर से, तभी तो एक एंड 5 आया, एक एंड क्या आया 3, यहां एक एंड 5 आया और इसका क्या आया, लेकिन अपोजिट बना ना, अपोजिट पोल, अपोजिट 5 का 3 का, कभी सेम मत कर देना वरना ये लाइन क्या हो जाएगी, गलत हो जानी है फिर आपकी। डीएनए समझ में आया कि नहीं आया, किसी बच्चे को नहीं समझ आया हो तो वो लेक्चर सुन लेगा, ठीक है, कॉपी करना है क्या, मत करो सब, फोटो खींच लो, बाकी अपलोड तो हो ही जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना, फोटो खींच लो सब।